चलिए फिलहाल गुरुग्राम से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां पर जाम से लोग इस वक्त परेशान हैं। NH 8 पूरी तरीके से जाम है, कई किलोमीटर लंबी लगे इस जाम से लोग परेशान नजर आ रही हैं। 3 किलोमीटर लंबा ये जाम है जो NH 8 पर इस वक्त लगा हुआ है। गुरुग्राम में आप तस्वीर देखिए जरा, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं NH 8 पर गाड़ियां सिर्फ आपको रेंगती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ियां रुक जाती हैं, नो एंट्री खुलने के बाद गुरुग्राम में नजारा रहता है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनु शर्मा का रुख करते हैं। हनु, जानकारी दीजिए कि ये जो गुरुग्राम में जाम लगा हुआ है, क्या ये खुल गया है या अभी भी NH 8 की स्थिति बरकरार है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही जो नो एंट्री जोन होता है उसको खोल दिया जाता है, जिसके बाद से जो बड़े व्हीकल्स हैं वो करोड़ों पे आ जाते हैं, जिस वजह से इस जाम की जो समस्या है ये डबल की ट्रिपल हो जाती है। आपको बता दूं कि गुरुग्राम से लेकर दिल्ली NCR तक जाते वक्त जो रोड है वो काफी चौड़े रोड है, जिसपे 4 लेन जो की रोड बनाए गए हैं, उसके बावजूद ये जो बड़ी गाड़ियां होती है इनके चलते जाम आए दिन लगता है। ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस कहीं ना कहीं जाम को खुलवाने का काम जरूर करती है, पर इस जाम की समस्या से लोगों को रोज दो दो हाथ करना पड़ता है, जिस वजह से वो ऑफिस भी लेट पहुंच पाते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये काफी घंटों से ये जाम जो लगा रहता है, जिसके चलते लोग परेशान होते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस है, कहीं ना कहीं उनको एक नए रूल और नियम बनाने जरूरी है, क्योंकि इस तरह के जो ट्रैफिक जाम है, इससे निजात किस तरह से पाई जा सकती है या मिल सकती है लोगों को, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन हनु, समाधान क्या है इसका? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो नो एंट्री जोन होता है, इनको रात के समय तो खोल ही दिया जाता है, कि सुबह के समय इनको कुछों को ही परमिशन दी जाती है, जिनके पास परमिट होते हैं। परमिट के अलावा जो कई सारे व्हीकल ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि थोड़ा सा हम रास्ता कवर कर लेंगे तो हम आगे तक पहुंच जाएंगे और साइड में अपनी गाड़ियां लगा लेंगे, पर ऐसे ही उन पर जो कार्रवाई पुलिस करती है तो कुछ को पकड़कर उनपे चालान भी किए जाते हैं। पर कई लोग ऐसे हैं जो इसकी मनमानी करते हैं और रोडों पर अपनी बड़ी गाड़ियों को, बड़े व्हीकलों को ले आते हैं, जिस वजह से पूरा हाईवे जाम हो जाता है और वो हाईवे कुछ घंटे नहीं, काफी घंटे तक हाईवे जाम लगा रहता है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। आपको बता दूं, गुरुग्राम NCR से लोग जो IMT मानेसर तक जाते हैं और IMT मानेसर से पाशापुर, फरीदाबाद और दिल्ली तक जाते हैं, तो इनको जो रास्ता जो 20 मिनट का है वो कहीं ना कहीं 1 घंटे 20 मिनट के अंदर उनको तय करना पड़ता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हनु, तमाम जानकारी देने के लिए।